और मैंने डेटाबेस की क्वेरीज भी आपको कराई हैं। आज हम फ्रंट एंड के थ्रू डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड हमारा ASP.NET विद सी शार्प है और बैक एंड हमारा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको सिर्फ एक बार परफॉर्म करने हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट चेंज करेंगे तो वो स्टेप आपको वापस करने पड़ेंगे, अदरवाइज एक बार आपने अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में स्टेप परफॉर्म कर लिए, फिर अगले हर पेज में आपको सिर्फ जाके कोडिंग करनी है, बाकी कोई एडिशनल आपको परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा वेब एप्लीकेशन है, दैट इज़ वेब डेमो 12:1, यही था ना हमारा एप्लीकेशन, वेब डेमो 12:1। इस पर मैंने फ्रंट एंड के लिए रजिस्ट्रेशन पेज आपका ऑलरेडी बना रखा है, बस उसी पेज का यूज़ करके हम लोग सारा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर आगे सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे, राइट। ये पूरा सेगमेंट है हमारा, इसको देखेंगे हम लोग सारी चीज़ें, आपको बना के दिखा दिया, यानी फ्रंट एंड हमारा बना है। अब चाहते हैं कि जो भी इस फ्रंट एंड में हम डेटा फिल करें वो आपके डेटाबेस में हमारा स्टोर हो जाए, तो हमारा फ्रंट एंड तो मैंने बना लिया है, अभी डेटाबेस मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। एक प्रोजेक्ट में एक ही डेटाबेस हम लोग यूज़ करते हैं, आप उस डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ टेबल्स बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी आपको टेबल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं इंसर्ट रो करके बिलो करके एक लेबल लगा देता हूँ जिसमें लिख के आएगा यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने एक लेबल लगा दिया, ठीक है। इसका टेक्स्ट जाके मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया कि पहले से ऑप्शन के ना दिखे, जब हम डेटा सबमिट करें तब इसका नाम यहाँ पे दिखे, ठीक है। सेव करते हैं, तो मेरा फ्रंट एंड रेडी है। डेटाबेस बनाने के लिए आपको SQL सर्वर पे काम करना होता है, आप चाहे तो सिस्टम में SQL सर्वर अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, बट सिस्टम थोड़ा सा फिर आपका हैवी हो जाएगा और एग्जीक्यूशन में दिक्कत होगी। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस विजुअल स्टूडियो के साथ भी हमारा एक एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल होता है डेटाबेस का, हम उसका यूज़ करेंगे, आप उसकी फाइल उठा के एक्सटर्नल पे डाल देंगे, उस पर भी काम करने लगेगा, यानी कुछ आपको स्पेशल नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले .NET में ASP.NET में कुछ ऐसे रिजर्व फोल्डर होते हैं जो .NET ने शीशा ASP ने पहले से बना के रखे हुए हैं, उन फोल्डर्स को आप जब यूज़ करेंगे वो एक ही फोल्डर हो सकते हैं, बने बनाए फोल्डर हैं, आपने जैसे ही फोल्डर को अटैच किया वो फोल्डर वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आते हैं, इसमें आपको दिख रहा है एड ASP.NET फोल्डर, पहला फोल्डर आपको दिख रहा है बिन फोल्डर, दूसरा फोल्डर दिख रहा है बिन बाइनरी स्टोर करने के लिए बनाया गया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ऐप कोड C# की फाइलें कंटेन करता है, ग्लोबल रिसोर्स, लोकल रिसोर्स, वेब रेफरेंसेस, इनका रेफरेंसेस के लिए यूज होता है। ऐप डेटा इज यूज फॉर द डेटाबेस, ऐप ब्राउजर अलग अलग, जैसे आपने देखा कई वेबसाइट्स आप अलग अलग ब्राउजर पर रन कराते हैं तो आउटपुट थोड़ा सा आपको अलग अलग दिखता है, तो ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर करते हैं। अगर आप कोई थीम यूज़ करना चाहें तो थीम भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डेटाबेस हम क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐप डेटा वाला फोल्डर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं रिजर्व फोल्डर, यानी ये फोल्डर एक ही फोल्डर होते हैं, बने बनाए हैं, बस आपको क्या करना है इनको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ऐप डेटा नाम का फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा और आप ये लिस्ट में से देखेंगे तो ये फोल्डर वहाँ से रिमूव भी हो गया है, ठीक है। ऐड ASP.NET फोल्डर आप देखेंगे यहाँ से वो रिमूव भी हो गया है, यानी जो फोल्डर आपने एक बार ऐड कर दिया रिजर्व फोल्डर दोबारा वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ऐप डेटा फोल्डर बना लिया, सबसे पहला काम है डेटाबेस क्रिएट करना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करेंगे डेटाबेस, क्योंकि फ्रंट एंड तो बना लिया है बट डेटाबेस पे अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। आप यहाँ पे ऐप डेटा पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम सबसे पहला ऑप्शन, ऐड न्यू आइटम, इसमें जब ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे नीचे आपको एक जगह दिखेगा SQL सर्वर डेटाबेस, यानी हम आप एक डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इस डेटाबेस का नाम मैंने वेब डेमो 12:1 रख दिया, इसे याद रहे कि ये डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट में है, वेब डेमो 12:1, ठीक है। यही हमारी वेबसाइट का नाम है, वही हमने डेटाबेस का नाम रख लिया, ठीक है, वेब डेमो 12:1। .mdf एक्सटेंशन होता है डेटाबेस की फाइल का, mdf स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस फाइल, राइट, एक्सटेंशन होता है डेटाबेस का, यहीं से हम इसे ऐड करते हैं। ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा और ये यहाँ पे डेटाबेस आपको इधर ऑप्शन नहीं दिखेगा, इसके लिए यहाँ पे एक टैब आपको दिखेगा जैसे सर्वर एक्सप्लोरर, यानी इसके अंदर डेटाबेस का आपका पूरा सर्वर आपको दिखेगा जहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा, डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, कनेक्ट करेगा, ये आप लिख के आ रहा है डेटा कनेक्शन, लिख के आ रहा है सर्वर एक्सप्लोरर पे डेटा कनेक्शन बाय डिफॉल्ट लिख के आएगा,
अभी इसमें क्रॉस सिंबल बन के आ रहा है क्योंकि डेटाबेस बन तो गया है बट अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे आप टेबल को एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लग टाइप का ग्रीन कलर का आपको छोटा सा दिख रहा होगा आइकन, यानी अब आपका डेटाबेस ऑनलाइन हो गया। ठीक है, सबसे पहले काम आपने डेटाबेस तो बना लिया बट इसके अंदर मुझे क्या बनानी है, टेबल बनानी है। ठीक है, जब तक आप टेबल नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो आप टेबल पर राइट क्लिक करिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ पे सारा काम आपको ग्राफिक के फॉर्मेट में करना है, ऐड न्यू टेबल। ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए, बाय डिफॉल्ट आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। यहाँ पे टेबल आप दो तरीके से बना सकते हैं, आपके पास एक क्वेरी व्यू भी है, एक आपके पास ग्राफिक व्यू भी है। आप ग्राफिक का यूज़ करके बना लें या आप क्वेरी का यूज़ करके बना लें, दोनों चीज़ें आप बनाना चाहें जैसे आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम ग्राफिक फॉर्मेट अभी लोडिंग, डिज़ाइन सरफेस इज लोडिंग। ठीक है, जो आपका ग्राफिक फॉर्मेट है वो लोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टेबल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टेबल बनाते समय आपको ध्यान रखना है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जितनी फील्ड्स ली हैं उसके बाद जितनी फील्ड्स आपने यहाँ पे ली हैं उतनी फील्ड्स के लिए आपको वहाँ पे कॉलम बनाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे आपने ज़्यादा फील्ड्स ली हैं और कॉलम वहाँ पे आपने कम बनाए हैं फिर दिक्कत होगी। ठीक है, डेटा आपका उतना जितना आप फॉर्म में सबमिट हो एटलीस्ट पूरा कैप्चर हो तो आपको उतनी फील्ड्स यहाँ से लेके चलनी है। ठीक है, डेटाबेस पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे टेबल बनाएंगे। सबसे पहला एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आईडी बन के आया है, इस आईडी को मैंने बना दिया यूज़र नेम। डेटाबेस में आपको मैंने बताया था कि डेटा टाइप भी होते हैं, क्वेरीज आप लोगों ने करके देखी होंगी। ठीक है, वायर कैप साइज मैंने इसका 50 दे दिया। यहाँ पे एक की बन के आ रहा है, इस की का मतलब होता है प्राइमरी की, यानी ये कॉलम हमारा बाय डिफॉल्ट क्या बन रहा है, प्राइमरी की बन रहा है। प्राइमरी की का मतलब होता है कि कॉलम में आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते और नल वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। देन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है दैट इज पासवर्ड, पासवर्ड के लिए वायर कैप, पासवर्ड में से एक ही कॉलम स्टोर करेंगे। मेरे फॉर्म में दो चीज़ें हैं, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, दोनों में से आप एक करेंगे क्योंकि दोनों में सेम पासवर्ड का वैलिडेशन इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, देन उसके बाद एड्रेस है हमारे पास, एड्रेस ले लिया, इसको भी मैंने वायर कैप साइज़ का मैंने 50 ले लिया। साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक सिटी का ऑप्शन है, सिटी के लिए आप यहाँ पर वायर कैप और यहाँ पर डिफाइन करेंगे सिटी, इसका मैंने साइज़ 50 दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे सिटी के बाद आपका जेंडर ऑप्शन है, जेंडर ले लीजिए, जेंडर में आप इसका वेयर केयर इसका साइज़ कम डिफाइन कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है कि फीमेल या मेल में से एक ही आएगा। फिर आपके पास यहाँ पे जेंडर के बाद हॉबीज़ ऑप्शन है, हॉबीज़ यहाँ से बना दीजिए। ठीक है, हॉबीज़ देन वेयर केयर 50, हॉबीज़ के बाद हमारे पास ईमेल ऑप्शन है, ईमेल, ठीक है, ईमेल वायर केयर ले लिया मैंने। और फिर हमारे पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को भी आप वायर केयर ले लीजिए, बस साइज़ इसका 10 कर दीजिए। ऐसी फील्ड्स जिन पे आप मैथमेटिकल एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उनको आप इंटीजर लेंगे, अगर किसी पे मैथमेटिकल एक्शन परफॉर्म नहीं करना है तो आप उनको वायर केयर ले लेंगे। वायर केयर से आपका मेमोरी बचेगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारे पास डी ओ बी ऑप्शन है, डी ओ बी को आपका डेट टाइप का ऑप्शन देना है, डेट दे दीजिए, डेट टाइम ऑप्शन जो आप देना चाहें, मैंने डेट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे टेबल का नाम डिफाइन करने के लिए आप जब सेव करेंगे तो कुछ अलग दिखाएगा, तो टेबल का नाम यहाँ से डिफाइन करेंगे। जो आपको टेबल लिखा हुआ है इसमें आप जाइए, इसी में एक ऑप्शन आप लिख दीजिए दैट इज़ रजिस्ट, रजिस्ट हमारे टेबल का नाम है क्योंकि यहाँ पे टेबल को अपडेट करना होता है। जैसे आप यहाँ रजिस्ट लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी रजिस्ट लिख के आएगा और यहाँ पे एक अपडेट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी इस टेबल को मैंने क्रिएट किया और मैंने उसको अपडेट कर दिया। यहाँ पे लिख के आएगा प्रिपेयरिंग अपडेट स्क्रिप्ट और यहीं से आप अपडेट डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे और आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टेबल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया, आप एक्सप्लोरर पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक टेबल दिखने लगेगी। टेबल के स्ट्रक्चर को अगर वापस चेंज करना है, कॉलम के नेम देते समय आपको स्पेस या कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, रजिस्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप अगर जाके देखें इसको, अगर आपको टेबल डिफिनेशन देखनी वापस उस टेबल में अपडेट करना है तो ओपन टेबल डिफिनेशन पे जाएंगे, अगर इसके डेटा को देखना है तो शो डेटा को जाएं, टेबल डेटा को जाएंगे। अभी कोई डेटा तो यहाँ पे है नहीं, हम डिफिनेशन यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। राइट, अब देखिए हमने क्या कर लिया, हमने डेटाबेस बना लिया, हमने फ्रंट एंड इंप्लीमेंट कर लिया, अब दोनों के बीच में मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। जब तक आप कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक कोई भी डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम यहाँ पे वेब कॉन्फिग फाइल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, वेब कॉन्फिग फाइल में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का एक ऑप्शन होता है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमें यहाँ पे जनरेट करनी है।
आप यहाँ पे चाहे तो वो कोड लिख सकते हैं या आप इसे जनरेट भी कर सकते हैं, आपको कोड लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आप आइए, आप किसी भी डिजाइनिंग पेज पे चले जाइए, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन, आप इसी पे चले जाइए। आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलेगा टूल बॉक्स में, मैं क्या करने जा रहा हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करने जा रहा हूँ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। जब तक आप कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेंगे तब तक डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच में आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है SQL डेटा सोर्स, आपको डेटा में एक ऑप्शन मिलेगा SQL डेटा सोर्स, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डेटा सोर्स ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है। ये एक सिंपल सा मुझे विजार्ड फॉलो करना है जिससे वेब कॉन्फिग में कोडिंग जनरेट करेगा, उस कोडिंग को चाहे मैनुअली आप लिखें या जनरेट करके थ्रू करें। मैनुअली लिखने में स्मॉल कैप्स का डिफरेंस होता है तो इसलिए आप यहाँ पे जनरेट कर ले ज़्यादा सही रहेगा। कॉन्फिगर डेटा सोर्स, जब कॉन्फिगर डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है वो आपको दिखेगा, वेब डेमो 12:1 MDF, इसका नाम याद रखिएगा वेब डेमो 12:1। इसको फिर सेलेक्ट करते हैं हम लोग, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट में आपका कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसके आगे आपको अपने डेटाबेस का नाम लिख देना है वेब डेमो 12:1। जैसे आपने डेटाबेस का नाम लिखा है वैसे यहाँ पे लिखिएगा, डिफरेंस मत लिखिएगा वरना फिर एरर आएगी। नेक्स्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल बनी है, वही टेबल दिख रही है, इसको मैंने नेक्स्ट किया और यहीं पे मैंने इसे फिनिश कर दिया। ठीक है, फिनिश करने के बाद सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद यहीं पे राइट क्लिक करते हैं। आप चाहे इस डेटा सोर्स को पहले आप देख लीजिए वेब कॉन्फिग फाइल में कोडिंग जनरेट हो कि नहीं, ये कनेक्शन स्ट्रिंग की कोडिंग अपने आप जनरेट हो गई है। ठीक है, वेब डेमो 12:1 कनेक्शन स्ट्रिंग, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है, आपके डेटाबेस का पूरा नाम यहाँ दिया हुआ है, डेटा डिक्शनरी डायरेक्टरी, आपके डेटाबेस का नाम क्या था, वेब डेमो 12:1 MDF, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है। और यहाँ पे प्रोवाइडर कौन है, प्रोवाइडर का मतलब नेम स्पेस, डेटाबेस की फंक्शनलिटी एक्सेस करने के लिए हमारा प्रोवाइडर है system.data.sqlclient, ये हमारा प्रोवाइडर है। ठीक है, इसी को हमें हर पेज पे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये कोड आपका लिखा है ये XML कोड है, XML कोड को हम C# में एक्सेस नहीं कर सकते, हमें C# में एक्सेस करना है तो फिर हमें कोई ना कोई क्लास फाइल बनानी पड़ेगी। तो ये स्टेप मैंने पहला स्टेप, ये कॉमन स्टेप है, हर आपको प्रोजेक्ट में पहली बार ये परफॉर्म करना है। ठीक है, हमने डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, बस उस कनेक्शन को C# में कन्वर्ट कर लें, हमारा डेटाबेस और हमारे फ्रंट एंड के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा रिजर्व फोल्डर भी यूज़ करने जा रहा हूँ जिसका नाम है app_core। रिजर्व फोल्डर कहाँ से आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करिए वेबसाइट पे, ऐड ऑप्शन पे जाइए, ASP.NET फोल्डर रिजर्व फोल्डर दैट इज ऐप कोड, ऐप कोड इज़ अ रिजर्व फोल्डर फॉर द कोडिंग फाइल। ऐप कोड पे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद ऐड ऑप्शन पे आइए, ये कोड फाइल ऐप कोड फोल्डर बेसिकली कोडिंग की फाइल के लिए है, C# की फाइलों के लिए है। इस पर आप कोशिश करिएगा कि जो मैं पेजेस के नाम, जो मैं टेबल का नाम, कॉलम का नाम दे रहा हूँ आप एज इट इज़ लिखिएगा। ठीक है, अगर आपने डिफरेंस लिखा तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ऐड करिएगा, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे आपको एक क्लास फाइल अटैच करनी है, क्या अटैच करनी है, क्लास फाइल, यहाँ पे आइए, इसका नाम मैंने यहाँ पे रखा database.cs। ठीक है, ये मैं फाइल किस लिए बना रहा हूँ, XML वेब कॉन्फिग वाली जो कोडिंग है, XML वाली कोडिंग है उसको हम C# में यूज़ करना चाहते हैं। C# में आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप इसे डेटाबेस इस C# की फाइल को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहीं से हम इसे ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिफाइन कोड लिखना है, हमेशा यही कोड लिखना है, बस माइनूट सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले कमेंट को हटाना है, ये कमेंट मैंने हटा दिया, ये जो डेटाबेस ऑप्शन दिख रहा है इसको भी आपने यहाँ से क्लियर कर दिया, क्लास को मत हटाइएगा, क्लास आपका यहाँ पे लगा रहेगा। आपको दो नेम स्पेस यहाँ पे यूज़ करने हैं, पहला नेम स्पेस यूजिंग system.data.web, एक ही पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करना है web.configuration, ये आपको यहाँ पे नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर फंक्शनलिटी है वेब कॉन्फिग फाइल को एक्सेस करने की। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रॉपर्टी जस्ट लाइक अ मेथड, बट प्रॉपर्टी में आप कोई पैरामीटर नहीं भेज सकते, आपको प्रॉपर्टी ब्लैंक लिखनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, यही डिफाइन करके लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग
मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, ब्रैकेट ओपन किया, प्रॉपर्टीज जैसे राइट क्लिक करके हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी या तो हम लोग सेट करते हैं या तो किसी की प्रॉपर्टी गेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे गेट यूज किया, गेट करते हैं। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एक बनी बनाई क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन है कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसके अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होती है और देन कनेक्शन स्ट्रिंग। ये डिफाइंड कोड आपको लिखना है, हमेशा यही कोड लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हर जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि वेब कॉन्फिग में मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, वेब डेमो 12 टू कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको यहाँ से कॉपी किया और डेटाबेस डॉट सी एस वाले फाइल में जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, बस। ठीक है, यहाँ तक की जो आपने काम किया है ये सेव कर दिया। मैंने क्या किया, पहले फ्रंट एंड डिज़ाइन किया, फिर डेटाबेस डिज़ाइन किया, टेबल डिज़ाइन करी, फिर मैंने उसके लिए एक यहाँ पे वेब कॉन्फिग फाइल में कोडिंग जनरेट करी और मैंने उस कोडिंग को एक्सेस करने के लिए सी शार्प की फाइल डिज़ाइन करी है। ठीक है, यहाँ तक की जो मैंने काम किया ये सिर्फ आपको एक बार करना है, यानी अब आपका जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, बस आप जिस भी पेज पे डेटाबेस की कोडिंग करना चाहें उस पेज पे डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वेब कॉन्फिग को भी एक्सेस कर लेगा। ठीक है, इतना ओके है, यहाँ तक की काम आपको अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद बस पर्टिकुलर हर पेज की कोडिंग आपको करनी है, बाकी और कोई कोडिंग ये वाली बार बार आपको नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको कोडिंग स्टैंडर्ड कोडिंग बताई है, अदरवाइज ये वाला कोड मुझे हर पेज पे लिखना पड़ता, तो इनकेस कभी हम अपना डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं तो हर पेज पे चेंज करना पड़ता, यहाँ पे क्या होगा एक ही जगह आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल पेजेस पे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, यहीं से सेव कर लीजिए, इतना ओके है, समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पेज पे। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग जिससे मैंने जनरेट की थी आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी इसने एक बार कोडिंग जनरेट कर दी तो आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब इस डेटा इस पर क्या करना है, जैसे ही ये फॉर्म में क्लिक करें, सबमिट बटन पे क्लिक करें, डेटा हमारा डेटाबेस में जाके सबमिट हो जाए। ठीक है, यहीं पे आप इसे डबल क्लिक करिए, इसका कोडिंग इवेंट जनरेट होगा। आपको हर डेटाबेस वाले पेज पे दो पैकेज इंपोर्ट करना कंपलसरी है। पहला पैकेज है आपको प्रोवाइडर का नाम लिखना है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट हमारा प्रोवाइडर है, और एक आपको और पैकेज यूज़ करना है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ये दो पैकेज आपको इंपोर्ट करना कंपलसरी है जिस पे भी आप डेटाबेस का कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, हर पेज पे आपको दो नेम स्पेस ऐड कर लेने हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक बनी बनाई कनेक्शन क्लास है, ये एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर एसक्यूएल कनेक्शन नाम से क्लास बनी हुई है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं कनेक्शन बनाने में। एसक्यूएल कनेक्शन डिफाइंड क्लास है जिसका आप यूज़ करते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, एसक्यूएल कमांड, कमांड के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरीज, यानी जो भी क्वेरी आप रन कराएंगे वो सब आपको एसक्यूएल कमांड की क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पास करना है। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन इज इक्वल टू न्यू डेट कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन। यहाँ पे अपनी क्लास फाइल का नाम, हम लोगों ने ऐप कोड में एक क्लास फाइल बनाई है, उस क्लास फाइल का नाम क्या रखा है मैंने, डेटाबेस डॉट सी एस। आपको यहाँ पे वही एक्सेस करना है, जो भी आप क्लास का नाम यहाँ रखेंगे उसी को आप एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे डेटाबेस, इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, उस प्रॉपर्टी का नाम अपने आप आएगा, दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग सेमीकोलन, यानी हमारा डेटाबेस इस पेज से कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, बस कनेक्शन को ओपन करना है, कौन इज इक्वल टू कौन डॉट ओपन, आपने जो कनेक्शन स्टेब्लिस किया उसको आपने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम क्वेरी लिखने जा रहे हैं, कौन सी क्वेरी लगेगी, यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है तो कौन सी क्वेरी चलेगी, टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए कौन सी क्वेरी चलाई थी हम लोगों ने, इंसर्ट क्वेरी। तो क्वेरी लिखने जा रहे हैं cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड इंसर्ट इनटू हमारी टेबल का नाम देन वैल्यूज। यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, मतलब 6-7 आपके डेटाज हैं, तो आप इनको पैरामीटराइज करेंगे। पैरामीटर क्वेरी में कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ एट द रेट, यानी एट द रेट इनिशियल्स ले लीजिए, यू फॉर यूजर नेम, आपका डेटाबेस का सेगमेंट दिखना चाहिए,
आप उसी से इंसर्ट क्वेरी फायर करते समय हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम 5 है तो 5 वैल्यूज भेजना कंपलसरी है और वही सीक्वेंस होना चाहिए, वरना रिकॉर्ड आपका ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे यूजर नेम पहला है तो यूजर नेम के लिए मैंने शॉर्ट नेम के ले लिया यू। ये पैरामीटर है, इन पैरामीटर में डेटा भी टेक्स्ट फील्ड से हम ऐड भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इतनी सारी फील्ड एक साथ यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे पैरामीटराइज काम कर रहे हैं। पहला डेटा हमारा है यूजर नेम, देन एट द रेट पासवर्ड, देन हमारे पास एड्रेस है, देन हमारे पास सिटी ऑप्शन है, देन जेंडर ऑप्शन है हमारे पास, फिर हमारे पास हॉबीज ऑप्शन है, फिर हमारे पास कौन सा है हॉबीज ईमेल ऑप्शन है ई ऑप्शन, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं। देन हमारे पास मॉब ऑप्शन है मोबाइल नंबर के लिए, फिर हमारे पास डी ओ बी ऑप्शन है एट द रेट डी ओ बी। ठीक है, देन कॉमा करके ये क्वेरी आपको किस कनेक्शन के ऊपर फायर करनी है उस कनेक्शन का नाम यहाँ देना होता है। अभी कौन नाम से ही मैंने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है और इसी के ऊपर मैंने डेटा मैंने फायर कर दिया। अब इनमें अपने पैरामीटर्स में डेटा ऐड करना होता है क्योंकि डेटा आपका आएगा टेक्स्ट फील्ड से। कहाँ से आएगा, जो भी फील्ड्स आपने डिज़ाइन करी है डेटा कहाँ से आएगा, उन टेक्स्ट फील्ड से डेटा आपका आएगा। आते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड ब्रैकेट में एट द रेट यू फॉर यूजर नेम एस क्यू एल डी बी टाइप। यहाँ पे जब आप एस क्यू एल डी बी टाइप टाइप करेंगे तो दो एस क्यू एल डी बी टाइप आपको दिखेंगे, एक आपका स्मॉल से दिख रहा है एक कैपिटल से दिख रहा है, आपको यहाँ पे कैपिटल वाला यूज़ करना है। ठीक है, डॉट वेयर कैप। अब बताइए यूजर नेम का मैंने डेटाबेस में कॉलम का नाम जब बनाया था तो मैंने कौन सा डेटा टाइप लिया था, वेयर कैप। क्या लिखा था, वेयर कैप। तो मुझे यहाँ पे कॉलम का जो आपने डेटाबेस टेबल बनाते समय कॉलम का साइज दिया था और डेटा टाइप दिया था वही यहाँ पे आपको लिखना है। साइज मैंने कितना दिया था 50। डॉट वैल्यू, वैल्यू से क्या होता है कन्वर्जन होता है, यानी टेक्स्ट फील्ड में जो भी डेटा होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज इक्वल टू डेटा कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स वन से, यानी जो आपने टेक्स्ट बॉक्स वन में इनपुट किया होगा वो आपका यूजर नेम पैरामीटर में जाएगा, यू नाम के पैरामीटर में स्टोर होगा और ये यू आके यूजर नेम में डेटा स्टोर कर देगा जब हम इस क्वेरी को रन कराएंगे। ठीक है, इसी कॉपी पेस्ट कर लीजिए, देन यहाँ पे पैरामीटर चेंज करते जाइए। पी फॉर पासवर्ड, पासवर्ड के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स 2 या 3 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना है। फिर हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस का साइज मैंने 50 दिया था। यहाँ से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से टेबल का राइट क्लिक करके ओपन टेबल डेफिनेशन देख सकते हैं कि साइज में कोई अंतर तो नहीं। मैंने यहाँ 50 दिया था, जेंडर का 10 दिया, मोबाइल का 10 दिया, बाकी सबका मैंने 50 दिया हुआ है। ठीक है, रजिस्ट पेज पे जाते हैं, एड्रेस का मैंने 50 दिया हुआ है, एड्रेस का नाम हमारा कहाँ पे आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 4, यहीं पे आते हैं टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। पहले आपने इसके पहले जब कोडिंग वाला प्रोग्राम करा होगा तो टेक्स्ट बॉक्स डेटा कहाँ पे स्टोर कर रहे थे, लेबल में लिख रहे थे हम लोग, तभी वहाँ पे लेबल में डेटा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे डेटा कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में जाएगा, पर्टिकुलर सेल में, पर्टिकुलर टेबल में और कॉलम में। ठीक है, सेमी कॉलन। फिर हमारे पास ऑप्शन है सिटी का, इसलिए मैंने चीज़ें वहाँ पे आपको बना दी थी कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। सिटी SQL 550, देन ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, फिर CMD। अब हमारे पास जेंडर ऑप्शन है, देखिए जेंडर में यूज़र क्लिक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसे यहाँ पे इक्वल करके लिखेंगे तो है नहीं कि पता नहीं बटन पे वन रेडियो बटन वन पे टिक किया कि दूसरे पे क्लिक किया। ठीक है, तो मुझे पहले ये फेच करना पड़ेगा उसने एक्चुअल में क्लिक किस पे किया है, जिस पे क्लिक किया है उसका डेटा निकाल के उसको हम कॉलम में स्टोर करेंगे। तो आपको डिजाइनिंग फेज पे जाना है, आपको क्या करना है, दो लेबल लगाने हैं यहाँ पे, एक लेबल मैंने लगाया रेडियो बटन के लिए और एक लेबल मैंने लगा दिया चेक बॉक्सेस के लिए, हॉबीज के लिए, और इन दोनों लेबल की विजिबिलिटी क्या करी मैंने, फॉल्स कर दी। क्या कर दी, फॉल्स, विजिबिलिटी फॉल्स कर रहे हैं और इसकी भी विजिबिलिटी हम यहाँ से फॉल्स कर दे रहे हैं प्रॉपर्टीज़ पे, यहाँ से विजिबिलिटी मैंने फॉल्स कर दी। ठीक है, सेव करने के बाद होगा क्या, जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले मेल फीमेल में से जो भी आपने ऑप्शन टिक किया होगा वो डेटा जाएगा पहले लेबल में, इसमें जाएगा लेबल में, या हॉबीज़ में जो भी डेटा आपने टिक किया होगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, लेबल में, फिर जाके इनसे डेटा आपका जाएगा डेटाबेस में। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं लेबल का टेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ। ये दिखेंगे नहीं, यानी यूजर की स्क्रीन में होंगे लेकिन यूजर इसे देख नहीं पाएगा।
ठीक है, आते हैं यहाँ पे, इसकी कोडिंग करेंगे कहाँ, पेज के लोड इवेंट पे। कोडिंग कहाँ करेंगे, पेज के लोड इवेंट पे। हम लोग कोडिंग आपको पहले भी बता चुके हैं, रेडियो बटन वन डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू। तो हमें क्या करना है, लेबल टू में, लेबल टू डॉट टेक्स्ट में क्या करना है, रेडियो बटन वन डॉट टेक्स्ट, यानी रेडियो बटन के में जो डेटा लिखा हुआ है उसको निकाल ले, ठीक है, टेक्स्ट। एल्स लेबल टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रेडियो बटन टू डॉट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ सेव कर लीजिए। ओके, इतना सुनना है। ऐसी चेक बॉक्सेस के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे लेबल लिखा है चेक बॉक्सेस वन डॉट चेक। ये कोडिंग आपको पहले भी हम करा चुके हैं, कोडिंग है ना, कराइए ना। लेबल थ्री डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लेबल थ्री में जो पहले से होगा डॉट टेक्स्ट डबल कोट्स स्पेस चेक बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट सेमीकोलन, यहीं से इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे नेम चेंज कर लीजिए, ठीक है, चेकबॉक्स टू, यहाँ पे चेकबॉक्स टू, फिर चेकबॉक्स थ्री और यहाँ पे चेकबॉक्स थ्री, सेव कर लीजिए। अब इनसे डेटा हम भेजेंगे, यानी पहले डेटा लेबल में आया, अब इसको हम भेज रहे डेटा यहाँ पे जेंडर में, जी नाम का मैंने वेरिएबल लिया है और जेंडर का मैंने साइज वहाँ पे क्या लिया था, 10 साइज था ना, और डेटा कहाँ से आएगा, लेवल टू से, मेल फीमेल कहाँ पे आ रहा है, लेवल टू में आएगा पहले। फिर हॉबीज के लिए ये करते हैं, हॉबीज का साइज मैंने 50 लिया था, वेरिएबल यहाँ पे एच लिया है मैंने एच, और यहाँ पे लिखा है मैंने डेटा कहाँ से आएगा, लेवल थ्री, लेवल थ्री में पहले डेटा निकाला हमने और उसको मैंने यहाँ भेजा है, ठीक है। फिर यहाँ पे डेटा क्या आएगा, ईमेल, ईमेल के लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लगा रखा है, साइज 50 दिया था, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे कौन सा लगेगा, टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट। फिर सीएमडी पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, मोबाइल ऑप्शन लिया था, मोबाइल का मैंने साइज क्या दिया था, मॉव वेरिएबल, मोबाइल का साइज मैंने 10 दिया था, यहाँ से 10 कर दिया और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 6, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गए डीओबी, डीओबी मैंने डेटा टाइप कैसे लिया था, डेट, तो वेरिएबल की जगह क्या लिखेंगे, डेट, इसमें कोई साइज नहीं देना होता है, डॉट डेट, राइट, टेक्स्ट बॉक्स 7। ये मैंने सारे पैरामीटर ऐड कर लिए, यानी टेक्स्ट फील्ड में जो भी डेटा था उन सबको मैंने यहाँ पैरामीटर में ऐड कर लिए। अब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, यहीं पे आते हैं, लिखते हैं इफ सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एक फंक्शन है हमारे पास, अब देखेगा अगर इसका रिटर्न रिटर्न वन आता है, अगर वन आ रहा है यानी सीएमडी एग्जीक्यूट क्वेरी इज ग्रेटर देन 0, यानी वन रिटर्न कर रहा है, मतलब डेटा हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया, लेवल वन डॉट टेक्स्ट यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, यहीं पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम रन कराते हैं, रजिस्ट पे जाते हैं, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डेटा दिख रहा है, हम एक एंट्री करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुली डेटा में जा रहा है डेटा डेटाबेस में तो हमारा प्रोग्राम ओके है, अदरवाइज कुछ एरर होगी, सॉल्व करेंगे हम लोग। लखनऊ तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं, ईमेल दे दिया मैंने, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया, यहाँ पे कोई मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, सबमिट, नीचे लिख के आ रहा है यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है, यानी ओके है सब कुछ। एक बार डेटाबेस में जाके वेरीफाई कर लें कि डेटा हमारा आया कि नहीं आया, तो सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएंगे, रजिस्ट पे राइट क्लिक करेंगे, शो टेबल डेटा, शो टेबल डेटा पे जाएंगे, एक बार कॉलम का डेटा मैच कर लेंगे कि डेटा हमारा प्रॉपर है कि नहीं, यूजर नेम में आशू आ रहा है, पासवर्ड 123 दिया था, लखनऊ एड्रेस है, सिटी है, मेल, क्रिकेट रीडिंग सारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए, म्यूजिक भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है हमारा प्रॉपर, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, डीओबी भी हमारी जो वहाँ पे डाली थी वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यानी हमारा सक्सेसफुली एक्शन परफॉर्म हो गया। अब आपको किसी पेज पे डेटाबेस पे काम करना है, बस उस पेज पे सीधे कोडिंग लिखनी है, क्योंकि आपने प्राइमरी की स्टेज जो थी स्टेप सारे वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया,
फ्रंट एंड बनाया, डेटाबेस बनाया, डेटाबेस में एक टेबल बनाई और टेबल फ्रंट एंड के हिसाब से बनाई, और मैंने वेब कॉन्फिग में कनेक्शन स्ट्रिंग एक जनरेट करी और उस कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए सी शार्प की एक फाइल बनाई, और सी शार्प की फाइल बनाने के बाद कनेक्ट प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी को यूज़ करके हर पेज में हम डेटाबेस की फैसिलिटी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, comment, and subscribe.